हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर है आज। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, एक ओवरव्यू हमने देख लिया था। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हमने कर दी है, तो अब हम इसका सेकेंड लेक्चर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज। तो टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज में हमें देखना होता है कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि टैक्सोनॉमी में हेल्पफुल होते हैं, जिनकी हेल्प से टैक्सोनॉमी होती है। टैक्सोनॉमी का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम प्लांट्स को डिवाइड, नोमेनक्लेचर उनका, ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो उनके रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसमें रिसोर्सेज हैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, तो इनके बारे में हमें एक डिटेल स्टडी करनी है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहला रिसोर्स हम देखेंगे हर्बेरियम, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बोटेनिकल गार्डन। इसके पहले का लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, वो अगर आपने नहीं देखा है यूनिट फर्स्ट का, तो आप जाके देख लीजिए। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर का, यूनिट फर्स्ट का। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब हम उस पर फोकस करेंगे। अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये सेमेस्टर, इसमें जो बॉटनी का पार्ट है, पूरा सिलेबस बहुत एक लेंथी सिलेबस है और बहुत इम्पोर्टेंट सिलेबस है। तो पूरा हम कंप्लीट करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं हर्बेरियम में डिटेल्ड वे में, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज में हर्बेरियम। सबसे पहले देखते हैं हर्बेरियम की डेफिनेशन। द कलेक्शन और डिपॉजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस इज नोन एज हर्बेरियम। जो ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेन होते हैं, प्लांट्स हमने देख लिए, प्लांट्स ले लिए, उनको हमने ड्राई किया एक सिस्टमेटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में, उसका कलेक्शन या डिपॉजिटरी, मतलब उनको डिपॉजिट करके रखना, उसको बोला जाता है हर्बेरियम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग प्लांट्स इन द फील्ड एंड प्रिजर्विंग देम इन हर्बेरियम आर टू प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम्स अ सीरीज ऑफ स्पेसिमेंस एंड नोट्स दैट विल यील्ड द मैक्सिमम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट कंसर्न। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट्स को कलेक्ट करने का फील्ड में और प्रिजर्व, उनको प्रिजर्व करने में हर्बेरियम में, कि उनको एक फॉर एवर के लिए, एक कह सकते हैं प्रिजर्व करते हैं ऑल टाइम्स के लिए, और उनसे नोट्स जो हम होते हैं उनके, वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जो भी प्लांट जिसका हर्बेरियम है उसके बारे में। मतलब हमने किसी भी प्लांट का हर्बेरियम बनाया तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्यूचर में। इन फ्यूचर अगर वो प्लांट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ड्राइड कंडीशन में अवेलेबल है, तो हम उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो यही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर्बेरियम कलेक्शन का। अब हम इसमें देखेंगे हर्बेरियम टेक्निक्स। तो किस तरह से हर्बेरियम को बनाया जाता है, किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, तो देखेंगे हम हर्बेरियम टेक्निक्स। हियर वी विल ब्रीफली डिस्कस द टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर द कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम कलेक्शन और प्रिजर्वेशन देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विपमेंट कौन कौन से लगते हैं, उसके बाद किस तरह से उनको ड्राई किया जाता है, स्पेसिमेन को किस तरह से माउंट किया जाता है, क्या हर्बेरियम सीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक हर्बेरियम पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि हर्बेरियम किस तरह से बनाए, एक लाइव एग्जाम्पल की हेल्प से, एक लाइव प्रैक्टिकल की हेल्प से, सॉरी। तो वो आप देख लेना, वो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये हर्बेरियम टेक्निक समझने में, बहुत हेल्प करेगा वो वीडियो, तो प्लीज़ देखना वो वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फील्ड इक्विपमेंट्स। वाइल प्लानिंग अ फील्ड ट्रिप फॉर द स्टडी ऑफ द वेजिटेशन एंड फ्लोरा ऑफ एन एरिया, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल आइटम और इक्विपमेंट्स विच आर इंडिस्पेंसेबल फॉर प्लांट कलेक्शन। तो जब भी किसी भी फील्ड ट्रिप पे जाते हैं हम, या विजिट करते हैं किसी भी वेजिटेशन या फ्लोरा, किसी भी एरिया के फ्लोरा को, तो हमें ये जो नीचे लिस्टेड इक्विपमेंट्स हैं उनको साथ ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन से। प्लांट प्रेस, सबसे पहला है प्लांट प्रेस। यूजुअली द प्लांट प्रेस कंप्राइज ऑफ अ पेयर ऑफ मेटल वुड और स्ट्रॉन्ग प्लाईबोर्ड फ्रेम्स ऑफ 30x45 सेंटीमीटर। तो प्लांट प्रेस होता है एक इक्विपमेंट जो कि मेटल का होता है, एक पेयर ऑफ मेटल वुड और या फिर स्ट्रॉन्ग प्लाईबोर्ड का, उसमें फ्रेम होता है, वो 30x45 सेंटीमीटर का साइज होता है। बिटवीन द फ्रेम्स आर हेल्ड ब्लॉटर्स और ओल्ड न्यूज़पेपर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम प्लांट क्विकली।
तो इन फ्रेम्स के बीच में कुछ ब्लॉटर्स होते हैं या ओल्ड न्यूज़पेपर्स लगाए जाते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट से क्विकली, बहुत जल्दी। तो ये हमने देख लिया प्लांट प्रेस। नेक्स्ट है फील्ड नोटबुक। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट कलेक्शन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड डेटा एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। तो ये फील्ड नोटबुक की क्यों ज़रूरत होती है, एक नोटबुक साथ ले जाना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम प्लांट का कलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी क्या कंडीशन है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे उसमें, उस नोटबुक में। फॉर दिस स्पेशल टाइप्स ऑफ परमानेंटली बाउंड पॉकेट साइज नोट आर नोटबुक्स आर यूज। तो इसके लिए पॉकेट साइज नोटबुक्स यूज होती हैं। नेक्स्ट है वास्कुलम। वास्कुलम इज अ कंटेनर मेड ऑफ टिन और एल्यूमिनियम सीट एंड इट हैज अ हिंज टाइट लिड। ये वास्कुलम होता है एक कंटेनर होता है जो कि टिन का बना होता है या एल्यूमिनियम सीट का बना होता है और इसमें हिंज्ड टाइट लिड होता है, एक कैप टाइप होता है। मतलब ये बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें प्लांट को कंटेन करके रखते हैं हम। इट इज़ सम वाट ओवल एट द एंड्स एंड यूजुअली 45 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इसका साइज होता है, ओवल साइज होता है, ओवल शेप होता है और साइज होता है 45 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। द वास्कुलम इज पेंटेड वाइट टू रिफ्लेक्ट सन्स रेज एंड आल्सो टू लोकेट इट क्विकली इन ग्रीनिंग ऑफ वेजिटेशन। वास्कुलम को वाइट कलर से पेंट किया जाता है जिससे सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती रहे और इसको ईजिली हम लोकेट कर पाए जहाँ पे भी वेजिटेशन ग्रीन कलर की होती है, जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे तो हमें आराम से क्विकली हम उसको फाइंड कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ प्लांट्स अंटिल दे आर प्रेस्ड। ये प्लांट्स की जो फ्रेशनेस है उसको बरकरार रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए होता है जब तक कि प्लांट प्रेस ना कर दिए जाए। डिगर, ये डिगर होता है, इससे हमें समझ आ रहा है खोदने के लिए कुछ इक्विपमेंट। ए सुइटेबल डिगर ट्रावल और पिक इट्स रिक्वायर्ड टू टेक आउट द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द हर्बेसियस प्लांट्स। तो जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनके अंडरग्राउंड पार्ट्स को बाहर निकालने के लिए एक सुइटेबल डिगर यूज किया जाता है। रूट राइजोम बल्ब्स कॉर्म्स एसेट्रा शुड बी मेड पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन एज दे प्रोवाइड यूजफुल डायग्नोस्टिक करेक्टर्स। तो जो रूट्स राइजोम बल्ब कॉर्म जो जो भी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं एक हर्बेसियस स्पेसिमेन के, उनको कंसिडर करना चाहिए हमारे स्पेसिमेन में क्योंकि वो बहुत डायग्नोस्टिक, यूजफुल डायग्नोस्टिक करेक्टर्स हमें बता सकते हैं। सिक्वेटियोर एंड प्रूनिंग सीयर्स। सिक्वेटियोर इज रिक्वायर्ड फॉर कटिंग ट्विग्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स फॉर हर्बेरियम स्पेसिमेंस एंड प्रूनिंग सीयर इज वेरी यूजफुल फॉर कटिंग ट्विग्स फ्रॉम ऑल ट्रीज। तो सिक्वेटियोर इसको यूज किया जाता है कटिंग के लिए, ट्विग्स को कटिंग कट करने के लिए, ट्रीज और श्रब्स की ट्विग्स जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उनको कट करने के लिए हर्बेरियम स्पेसिमेन के, और प्रूनिंग सीयर्स यूज किए जाते हैं ट्विग्स को कट करने के लिए ट्रीज से। तो ये हो गया हमारा सिक्वेटियोर एंड प्रूनिंग सीयर्स। कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। तो हमने ये देख लिया क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, अब कलेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कलेक्टिंग प्लांट स्पेसिमेंस फॉर मेकिंग हर्बेरियम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए जब भी हम कलेक्ट करते हैं प्लांट हर्बेरियम बनाने के लिए। तो एक एक पॉइंट हम अच्छे से देखते हैं। प्लांट स्पेसिमेंस शुड बी आइदर इन द फ्लावरिंग और द फ्रूटिंग कंडीशन, प्रीफरेबली बोथ। तो प्लांट स्पेसिमेन या तो फ्लावरिंग कंडीशन में होना चाहिए या तो फ्रूटिंग कंडीशन में होना चाहिए, मतलब या तो उस पर फ्लावर हो या फ्रूट हो, और या फिर प्रीफरेबली बोथ, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। हर्बेसियस प्लांट्स शुड बी कलेक्टेड विद अंडरग्राउंड पार्ट्स एज फार एज पॉसिबल। तो जो भी हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं घास जैसे प्लांट्स जिनमें कोई भी वुड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनको अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ हमें कलेक्ट करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। इन केस ऑफ वुडी प्लांट्स इट ट्विग ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर विल फॉर्म अ गुड स्पेसिमेन। जो भी वुडी प्लांट्स होते हैं, लार्ज ट्रीज होते हैं, उनके केस में एक ट्विग होनी चाहिए, एक डाली होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर की, वो भी एक गुड स्पेसिमेन का वर्क कर सकती है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू कलेक्ट एटलीस्ट 4 स्पेसिमेंस ऑफ ईच प्लांट। और जो भी प्लांट है उसके 4 स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेने चाहिए कम से कम, क्योंकि अगर एक डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाकी 3 बचे हैं उनमें से हम यूज कर सकते हैं स्पेसिमेन के तौर पर। ईच स्पेसिमेन शुड बी नंबर्ड एज इट इज़ कलेक्टेड एंड द डिटेल्ड नोट शुड बी एंटर्ड इन द फील्ड नोटबुक।
जो भी हमने स्पेसिमेन कलेक्ट करे हैं उनको हमें नंबर देना चाहिए, नंबर होने चाहिए वो स्पेसिमेन, और उनका डिटेल एक नोटबुक में एंटर होना चाहिए, फील्ड नोटबुक में एंटर करके रखना हमें चाहिए। स्पेसिमेंस कुड बी प्रेस्ड इन द फील्ड एज दे आर कलेक्टेड और दे मे बी कैप्ट इन अ बस्कुलम एंड ब्रॉट टू द कैंप एंड आर देन प्रेस्ड देयर। स्पेसिमेन को हम जहाँ पे जहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं उसी साइट पे प्रेस कर सकते हैं, या फिर उनको हम एक बास्कुलम में पुट करके फिर उसको जहाँ पे भी हमारा कैंप है या फिर हमारा घर है वहाँ पे हम लाके उसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कलेक्शन हो गया, हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे स्पेसिमेन को। अब प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, अब प्रेस कैसे करना है स्पेसिमेन को, मतलब जब भी हम प्लांट को लेंगे, स्पेसिमेन को लेंगे, तो उसके तो पत्ते इधर से उधर जा रहे होंगे, तो हमें उसकी प्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। स्पेसिमेन शुड बी केयरफुली डिस्प्लेड ऑन द प्रेसिंग सीट, ब्लॉटर्स और न्यूज़प्रिंट सीट्स, अवॉइडिंग फोल्डिंग और हाइडिंग ऑफ पार्ट्स। जो भी स्पेसिमेन है वो केयरफुली डिस्प्ले किया जाना चाहिए प्रेसिंग सीट पे। अब प्रेसिंग सीट कुछ भी हो सकती है, ब्लॉटर्स हो सकते हैं या फिर जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनकी सीट्स हो सकती हैं। तो हमें फोल्डिंग अवॉइड करनी है, मतलब कोई भी प्लांट पार्ट फोल्ड ना हो जाए और उसका कोई भी पार्ट हाइड ना हो जाए, छुप ना जाए। द एक्स्ट्रा लीव्स और ब्रांचेस कैन बी कट इफ़ नेसेसरी, जो भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं उनको हम काट सकते हैं अगर नेसेसरी है तो। द लार्जर स्पेसिमेंस विच कैन नॉट फिट ईजिली ऑन द सीट शुड बी बेंट इन टू ए वी एस एन और डब्ल्यू सेप। जो लार्जर स्पेसिमेंस हैं जो कि फिट नहीं हो रहे हैं सीट पर, उनको हम वेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं एक वी सेप में, एस सेप में, एन सेप में या डब्ल्यू सेप में। द प्रेसिंग सीट्स अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर एंड आर देन टाइटली बाउंड इन अ प्लांट प्रेस। जो प्रेसिंग सीट्स होती हैं वो स्पेसिमेन के साथ हमें हम प्लेस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर उनको टाइटली बाउंड कर देते हैं एक प्लांट प्रेस से, मतलब उनके ऊपर कोई वेट रख देते हैं जिससे कि वो एज इट इज शेप में बना रहे। अब उसके बाद ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, सुखाते कैसे हैं स्पेसिमेन को। फॉर ड्राइंग द प्रेस कंटेनिंग स्पेसिमेंस इज प्लेस्ड इन द सन, ड्राइंग के लिए सन में रख देते हैं उसको कुछ टाइम के लिए। द प्रेस इज ओपन आफ्टर 24 आवर्स, द स्पेसिमेंस आर रीअरेंज्ड प्लेस्ड बिटवीन द फ्रेश ब्लॉटर्स एंड देन अगेन टाइटली बाउंड इन द प्रेस। तो जो प्रेस है उसको ओपन करा जाता है 24 आवर्स के बाद, उसके बाद जो स्पेसिमेन है उनको रीअरेंज कर देंगे हम, और जो फ्रेश ब्लॉटर्स हैं, नए ब्लॉटर्स हैं, उनके बीच में रख देंगे अगेन और टाइटली फिर से प्रेस कर देंगे। द वेट ब्लॉटर्स रिमूव्ड वी ड्राइड यूजुअली बाय प्लेसिंग देम इन द सन। जो भी वेट ब्लॉटर्स थे जो पहले हमने जिनमें रखा था स्पेसिमेन को सुखाने के लिए, तो वो ड्राई कर सकते हैं हम उनको सन में रख के और अगेन यूज कर सकते हैं। द स्पेसिमेंस आर चेंज टू ड्राई ब्लॉटर्स डेली और आफ्टर 2 or 3 days depending on the weather until the specimens are dry। तो जो स्पेसिमेंस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, जो भी ब्लॉटर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं सूखने के लिए डेली या फिर 2 या 3 दिन बाद, वो वेदर पर डिपेंड करता है किस तरह का मौसम है, और जब तक स्पेसिमेन सूख ना जाए तब तक हमें ऐसा करना है, चेंज करने हैं ब्लॉटर्स। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग में भी हास्टर्ड विद द एड ऑफ द आर्टिफिशियल हीट। तो जो ड्राइंग की प्रोसेस है उसको हम आर्टिफिशियल हीट के साथ भी कर सकते हैं। माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन, तो ड्राइंग देख लिया हमने, प्रेसिंग देख लिया, अब माउंटिंग कैसे करते हैं, जो हर्बेरियम सीड्स होती है उस पर कैसे चिपकाते हैं उस स्पेसिमेन को, वो देखते हैं हम। आफ्टर ड्राइंग द स्पेसिमेंस आर रेडी फॉर माउंटिंग, ड्राइंग के बाद स्पेसिमेन रेडी होते हैं माउंटिंग के लिए। दे आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम सीड्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज 28.75 by 21 by 41.25 cm। तो इनका एक साइज होता है स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम सीड्स का 28.75 by 41.25 cm। हर्बेरियम सीड्स आर यूजुअली ऑफ हैवी हैंडमेड कार्ड सीड्स विच आर वेरी ड्यूरेबल। हर्बेरियम सीड्स होती हैं वो हैवी हैंडमेड कार्ड से बनी होती हैं, कार्ड सीड से, जो कि ड्यूरेबल होती हैं, मतलब उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। सेवरल अधेसिव्स आर यूज फॉर अटैचिंग स्पेसिमेंस टू द सीड। अधेसिव्स मतलब हमें चिपकाने के लिए उस पर अधेसिव्स चाहिए होते हैं, तो सेवरल अधेसिव्स हम यूज करते हैं स्पेसिमेन को अटैच करने के लिए सीट के साथ। टू होल्ड हैवी और वुडी स्पेसिमेंस स्ट्रिप्स ऑफ ब्राउन गम्ड पेपर आर यूज्ड एज एडिशनल एड।
तो जो हैवी या वुडी स्पेसिमेंस होते हैं उनके साथ हम स्ट्रिप्स, उनमें हम स्ट्रिप्स लगाते हैं ऑफ ब्राउन गम्ड पेपर यूज करे जाते हैं एडिशनल एड के लिए, मतलब एडिशनल बेनिफिट के लिए। सेल्यूलोज टेप्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस पर्पज एज दे आर नॉट परमानेंट। सेल्यूलोज टेप्स नहीं रिकमेंड किए जाते हैं इस पर्पज के लिए क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते हैं एंड नॉट कम आउट ईजिली आफ्टर सम टाइम, और फिर वो ईजिली बाहर भी नहीं आते हैं कुछ समय बाद। स्टिचिंग ऑफ द स्टिफ पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग थ्रेड आल्सो अवॉइड इट्स सेपरेशन फ्रॉम द सीड। तो जो स्टिफ पार्ट्स होते हैं, हार्ड पार्ट्स होते हैं, उनको स्टिच भी किया जा सकता है, सिला भी जा सकता है उस सीड के साथ, और फिर वो सेपरेशन को अवॉइड करता है, सेपरेशन नहीं होता है सीड से स्पेसिमेन का। यूजुअली वन स्पेसिमेन शुड बी माउंटेड ऑन द हर्बेरियम सीड, यूजुअली एक स्पेसिमेन एक सीड पे माउंट किया जाना चाहिए, मतलब एक ही स्पेसिमेन माउंट किया जाना चाहिए एक सीड पे। अब हर्बेरियम लेबल्स देखते हैं हम, हर्बेरियम लेबल्स, हर्बेरियम लेबलिंग कैसे होती है उस पर, मतलब कैसे हम डालते हैं नाम। आफ्टर माउंटिंग द स्पेसिमेन ए लेबल इज ग्लूड ऑन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सीड। जो स्पेसिमेन है उसको हमने माउंट कर दिया, फिर एक लेबल हम चिपकाते हैं उस पर लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे, ये याद रखने वाली बात है, लोअर राइट हैंड कॉर्नर उस पर हम चिपकाते हैं सीड के लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे। द लेबल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द फील्ड नोटबुक। जो लेबल होता है उसमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, हम फील्ड नोटबुक में जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी उससे लेते हैं। द लेबल शुड इंक्लूड एटलीस्ट द फॉलोइंग डेटा। तो लेबल में क्या क्या डेटा होना चाहिए, तो कम से कम ये जो नीचे लिखा है वो डेटा होना चाहिए उस लेबल में। ए हेडिंग इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद विच स्पेसिमेन ऑरिजिनेटेड एंड द रीजन ऑफ कलेक्शन। तो एक हेडिंग जहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन की जहाँ से वो स्पेसिमेन ऑरिजिनेट किया गया है, और जो रीजन है कलेक्शन का कहाँ से कलेक्ट किया गया है वो। नेम ऑफ द फैमिली, उसकी फैमिली का नाम। बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का बोटेनिकल नेम। लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया उस लोकेलिटी का नाम। हैबिटाट, वो किस हैबिटाट में रहता है उसका नाम। फील्ड नोट्स, उसके बाद नेम ऑफ द कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया उसका नेम। कलेक्टर्स फील्ड नंबर, कलेक्टर का फील्ड नंबर, और वर्नाकुलर नेम एंड लोकल यूजेस इफ एनी। और वर्नाकुलर नेम मतलब जहाँ से कलेक्ट किया है उस लैंग्वेज में उस प्लांट को, तो वहाँ की लैंग्वेज में उस प्लांट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्नाकुलर नेम, तो वो भी डालना है। और अगर कोई लोकल यूज है तो वो डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक हर्बेरियम का एक डायग्राम दिखाया है, हर्बेरियम सीट का। ये देखते हैं, ये एक ऐसे हर्बेरियम सीट होती है नॉर्मली पेपर की, उस पर ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। ये ऐसे हिबिस्कस का दिखाया है मैंने, उसमें ट्विक्स हैं, ये लीव्स हैं, स्टेम है, और ये फ्लावर है। तो उसको यहाँ पे ऐसे नीचे अधेसिव से चिपकाया जाता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे, तो ये अधेसिव वाला पार्ट है, इसको चिपका दिया। इसके बाद ये राइट हैंड कॉर्नर है, इस पर यहाँ पर डाला जाता है नेम पूरा, लेबल्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, महाराजा कॉलेज जयपुर, तो ये इंस्टीट्यूशन का नेम है। फील्ड नंबर, प्लांट की फैमिली, बोटेनिकल नेम, लोकल नेम, प्लेस, कलेक्टर और डेट। तो ये एक हर्बेरियम सीड का आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इससे आपको क्लियर हो जाए कि हर्बेरियम क्या है। और फिर मैंने एक हर्बेरियम पे वीडियो भी बना रखा है, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप वीडियो ज़रूर देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और अपने सिलेबस साथ ही साथ करते जाएँ, और ये जो नोट्स हैं इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट्स कंप्लीट करना। और जो सेकेंड सेमेस्टर है, अगर उसके एग्ज़ाम नहीं हुए तो सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहना, और अगर एग्ज़ाम हो गए हैं तो थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टार्ट करो पूरा अच्छे से। और जो सेकेंड थर्ड सेमेस्टर है उसका सिलेबस भी मैंने अवेलेबल करा दिया है पूरी वीडियो, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। तो ये अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना जितना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।